हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में से ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की ट्रिक सीखेंगे जो मोस्टली जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर ओलंपियाड में आते ही आते हैं. ओके, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है टाइप वन क्वेश्चन की जो है ट्रिक सीखी थी. आज हम जो है टाइप टू क्वेश्चन की जो है ट्रिक सीखेंगे, और ये ट्रिक जो है बहुत ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग है. अब जो क्वेश्चन है वो है, अ शॉपकीपर बायस पेन्स एट द रेट ऑफ 6 for rupees 5. एक शॉपकीपर ने पेन खरीदे हैं, 6 पेन खरीदे हैं, कितने रुपीस में? 5 में. एंड सेल देम एट 5 for rupees 6. और ऊपर उसने जो सेल किए हैं वो करे हैं 5 पेन और कितने रुपीस में? 6 में. तो हम उसके प्रॉफिट परसेंट जो है निकालनी है. अब प्रॉफिट परसेंट में हमें जो 4 ऑप्शंस गिवन है, 25% प्रॉफिट, 28% प्रॉफिट, 36% प्रॉफिट एंड 44% प्रॉफिट. ओके, अब उसने जो पेन्स बाय करे हैं वो करे हैं किस रेट में? 6 पेन for rupees 5. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 पेन्स कितने रुपीस में? 5 में. ओके, अब सेल उसने करे हैं 5 for rupees 6, मीन्स 5 पेन्स कितने रुपीस में? 6 में. ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाएंगे. यहाँ पे जो पेन्स है ना, इनकी क्वांटिटी सेम करेंगे. अब इन दोनों को सेम कैसे करेंगे? इनका एलसीएम लेके. अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. मींस इन दोनों के मल्टीपल में कौन सा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है. अब जैसे अगर मैं लिखूँ 6 के मल्टीपल्स या 5 के मल्टीपल्स. 6 के मल्टीपल्स, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने तो उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. लाइक 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. ओके, देन 6 4 24, देन 6 5 30. ओके, इसी तरीके से 5 के मल्टीपल्स हम निकालेंगे. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30. सो कॉमन, सबसे छोटा नंबर जो कॉमन हो इन दोनों में वो क्या है? 30 है, है ना. सो अब इन दोनों को हम क्या बनाएंगे? 30 बनाएंगे. अब हम क्या करेंगे, 6 पेन्स और 5 पेन्स को क्या बनाएंगे? 30 बनाएंगे. अब 30 कैसे बनाएंगे? अब 6 की टेबल में 30 कब आता है? 5 पे आता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. और 5 की टेबल में 30 कब आता है? 6 पे आता है, है ना. अब इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर भी करेंगे, अदरवाइज हो जाएगा कि 30 पेन 5 रुपीज़ के इक्वल. अब हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इधर भी करेंगे 6 से. ओके, अभी 6 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 30, और ये 5 6 क्या बन गया? 30. ओके, अब इधर देखेंगे, इधर मल्टीप्लाई 5 5 करेंगे तो क्या हो गया? 25. और 6 6 क्या हो गया? 36. ओके, अब हम आराम से जो है पता लगा सकते हैं कि 30 पेन्स को अगर हमने ख़रीदा है 25 में, और 30 पेन्स को अगर हमने सेल किया है 36 में, सो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. अब प्रॉफिट क्या है? ये क्या हो गया हमारा? CP, और ये हो गया हमारा SP, है ना. अब इन दोनों को अगर SP को और CP को माइनस कर देंगे, SP माइनस अगर हम CP कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा. सो 36 माइनस 25 कितना हो गया? 11. हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 11 आ गया. अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन CP. CP क्या है हमारे पास? 25 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना. परसेंट निकालना है, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 निकालना होता है. परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट मीन्स सेंट का मतलब क्या है? 100. तो आउट ऑफ 100 निकालेंगे. अब 25 की टेबल में 100 कब आता है? 4 पे, है ना. हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, आमने सामने कैंसिल नहीं होगा. अब 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 11 4 44. सो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारे पास? 44%. मीन्स ऑप्शन 4 जो है क्या है हमारा आंसर है. तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं.
Now the next question is, a person purchases 5 lemons in rupees 4. एक person ने purchase किए हैं 5 lemons कितने में? Rupees 4 में. But उसने sell किए हैं 4 lemon 5 rupees में. So find the profit or loss person. So जैसे हम normal लिखते हैं वैसे हम लिखेंगे 5 lemons कितने में? Rupees 4 में. Okay. And then 4 lemons कितने में? Rupees 5 में. हमने लिख लिया. अब 4 एंड 5, 5 एंड 4 में एक ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो दोनों में क्या आता हो, टेबल में आता हो, वो क्या है? 20 है ना. सो 4 को 4 की टेबल में 20 कब आता है? 5 पे. तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 5 से किया है तो यहाँ पे भी 5 से करेंगे, है ना. अब 5 की टेबल में 20 कब आता है? 4 पे. सो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई. ओके. अब देखो यहाँ पे 5 4 का कितना हो गया? 20. और यहाँ पे भी 4 5 का कितना हो गया? 20. अब यहाँ पे देखो 4 4 का कितना हो गया? 16. कितना हो गया? 16. और 5 5 का कितना हो गया? 25. अब जो CP आया वो हमारे पास आ गया 16 और SP आ गया हमारे पास 25. अब SP ज़्यादा है ना. तो इट मीन्स क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. सो अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट? प्रॉफिट परसेंट. अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट क्या करेंगे? SP माइनस CP. सो हो गया 25 माइनस 16. 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9. कितना हो गया? 9. ओके. सो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 9 आ गया. अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 9 और CP क्या है हमारे पास? 16. मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से. ओके. अब 16 और 100 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं. 2 की टेबल में 16 कब आता है? 8 पे. 10 आता है 5 पे और 0 एज इट इज. ओके. अब 8 और 50, अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं. 2 की टेबल में 8 कब आता है? 4 पे. और ये आता है 25 पे. ओके. अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे और फर्दर ऑन कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा. अब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और 25 को. सो अब हम 25 और 9 को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 और 4 कितना हो गया? 225, है ना. सो 225 अपॉन 4 हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया. पर हम यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे क्या करेंगे? पॉइंट में लेंगे. क्यों? क्योंकि जो ऑप्शंस है वो पॉइंट में आते हैं, है ना. सो अब हम इसे जो है क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. ये आपको जो प्रोसीजर है ये क्विक क्विक करना है. जस्ट सीखने के लिए आप जो है स्लोली एक बारी करो, उसके बाद आपको फास्ट एकदम. तो 4 की टेबल में 225 जो है कब आएगा? ओके. अब 4 की टेबल 5 क्या बाय? 25 आता है. नो, 6 पे आएगा 24. 1 बचा 0.0. 4 की टेबल में 10 नहीं आता, 2 पे आता है 8. सो 2 बचा 0 उतारा. सो 4 की टेबल में 20 कब आता है? 5 पे. सो 20 आंसर आ गया हमारे पास 0. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंट कितने आ गए? 56.25%. ओके. अब आपको इसको इतना लंबा नहीं करना है. आपने जस्ट ट्रिक समझ ली कैसे हमें लिखना है, सेम बनाना है. इसको जल्दी जल्दी करना है ताकि हमारे पास वहाँ पे जब कुछ ही सेकंड्स हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम जो है जल्दी से उसे कर पाए. आपने लिखा 5 लेमन 4, 4 लेमन 5. लेमन्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. 5 4 4 5 सेम बनाया, ठीक है. जल्दी से सेम बनाया, फिर पता चल गया प्रॉफिट है, सीपी है. मल्टीप्लाई करके 100 से जल्दी से हमने आंसर जो है निकालना है. ओके. होप यू लाइक माई वीडियो. और अगर आपने अगर टाइप 1 क्वेश्चन की अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.